रायपुर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का किसान महासम्मेलन इस वक्त चल रहा है। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। आज माता कौशल्या की धरती, धान का कटोरा, छत्तीसगढ़ और ये रायपुर की पावन धरती में आयोजित किसानों के इस महाकुंभ में, आज के इस किसान महासम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, जो वर्तमान में भारत सरकार में रक्षा मंत्री हैं, लेकिन अनेकों पदों को सुशोभित किए हैं, भारत सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और जिनका छत्तीसगढ़ को बहुत स्नेह मिला है, प्यार मिला है। मैं चाहूंगा आप सब लोग कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें। और आज के इस किसानों के महाकुंभ में मंच में विराजमान किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, राष्ट्रीय पदाधिकारी सुश्री सरोज पांडे जी, सुश्री लता उसेंडी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, किसान मोर्चा के पदाधिकारीगण, और इस महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के एक एक कोना से, बस्तर से लेकर सरगुजा, जसपुर से लेकर राजनांदगांव तक आए सभी अन्नदाता किसान बंधुओं और देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मित्रों, आज छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री यहां पर विराजमान हैं। हम लोग उनका सुनेंगे। मैं तो बस कुछ मिनटों में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी किसान मन के पार्टी है। आज देश की आजादी 75 साल हो गए, इनमें ज्यादा कांग्रेस पार्टी के सरकार रही से, लेकिन किसानों किसान मन पर कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं सोची। हमर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो तरह तरह के चिंता हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनी तो किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करें, फसल बीमा योजना शुरू करें, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनी तो किसान मन के आय दुगुना करे बर तरह तरह के उपाय करें, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, कृषक सम्मान निधि, और हमर आदरणीय राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री रहे तो किसान चैनल और उपज के समर्थन मूल्य, ये सब काम करे के काम और भारतीय जनता पार्टी के सरकार हर करी से। और आज छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता यहां भारतीय जनता पार्टी के सरकार ला बैठाई से। अभी 2.5 महीना हुई थे सरकार के, लेकिन 2.5 महीना में ही आपन के छत्तीसगढ़ के सरकार बड़े बड़े निर्णय ले ली से। मोदी की गारंटी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता से वादा करे रही कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 5 साल जो 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका प्रधानमंत्री आवास बनेगा। और आप मल्ला बताते हुए हर्ष होते
कि 13 दिसंबर के हमर सरकार शपथ मिली और 14 दिसंबर। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में करारी पराजय से पस्त कांग्रेस पार्टी लगातार झटके पर झटके झेल रही है और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जहां कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, वहीं भाजपा बाहें पसार कर कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेताओं का स्वागत करें। और आज की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अर्जुन पालिया, आलोक चिंचोरिया, भोपाल के पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा और योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष यादव, दिनेश ढिमोले, सुभाष यादव, जसपाल अरोरा बीजेपी के नेता हो गए हैं, बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफा पहनाकर सभी का स्वागत पार्टी में किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस में मची भगदड़ को लेकर चुटकी ली। उन्होंने कहा, अब तो आलम यह है कि आगे आगे राहुल गांधी जा रहे हैं और पीछे से कांग्रेस साफ हो रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ नेतृत्व में आने के लिए ऐसे सुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे साथ, क्योंकि लोकतंत्र ये सबके साथ मिलकर चलने की हमारी एक संकल्प की भावना है और ऐसे में ऐसे अच्छे लोगों का साथ जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मार्ग चुना है, यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए ये बात अवश्य कहता हूँ कि जरूर आपको लगेगा कि हम अपने परिवार में सम्मिलित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना एक परिवार है। मैं पुनः एक बार सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री सुरेश पचौरी जी को मैं बचपन से जानता हूँ, तब जब मैं 11वीं में पढ़ता था और विद्यार्थी परिषद का काम करता था और वो छात्र नेता थे, वरिष्ठ छात्र नेता थे, एमएसटी के कैंपस से वो राजनीति चलाते थे छात्रों की, अलग अलग दलों में थे, अलग अलग विचारधारा थी उस समय, लेकिन जो शालीनता, शिष्टता और जो संस्कार मैंने उनमें देखे, मैं बरसों से उसका कायल रहा हूं। मुझे तो लगता है बड़ी देर भई नंदलाला कांग्रेस सही जगह थी। दो दो प्रधानमंत्रियों के साथ वो मंत्री रहे और एक दाग श्री सुरेश पचौरी जी के दामन पर कभी नहीं लगा। अभी पिछले दिनों में जो कुछ राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं कांग्रेस में, जो धार्मिक निर्णय हो रहे हैं, वो बड़े असहज करने वाले हो रहे हैं। आप कहेंगे एक दो का उल्लेख करिए, मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा हूं, कभी भी सेना के शौर्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता, सबूत की बात नहीं कही जाती और हमारे शीर्ष नेता और प्रदेश नेता को का नीतियों को देख के आज हम सब भाजपा में शामिल हो गए। मैं पहले विधायक में था भाजपा से, ये प्यासी में कैलाश जी ने टिकट दिलवाया था मेरे को। और भोपाल के बाद अब चलते हैं रायपुर, जहां पर इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के किसान महासम्मेलन में बिहार छत्तीसगढ़ हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका अभी अभी आपने भाषण सुना, ऐसे श्रीमान विष्णु देव जी साय, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान किरण देव जी,
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज जी पांडे और सुश्री लता जी उसंडी और हमारे किसान मोर्चे के तेज तर्रार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार जी चाहर, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जो पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे अरुण साव जी और उप मुख्यमंत्री दूसरे हमारे श्री विजय शर्मा जी, कृषि मंत्री श्री राम विचार जी बेदाम और छत्तीसगढ़ सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ के सांसदगण, विधायकगण, अन्य पदाधिकारी एवं इस सभा में मौजूद छत्तीसगढ़ के मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता के सामने खड़ा हुआ और आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर हम लोगों का स्वागत किया है, तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ अथवा जोहार कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर छत्तीसगढ़ के आप सभी किसान बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इसी 2023 के दिसंबर में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बेहद प्यार दिया और भारतीय जनता पार्टी की आपने स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनाई है और छत्तीसगढ़ को लंबे अरसे के बाद एक कोई हमारा आदिवासी समाज का, गरीब समाज का एक भाई मुख्यमंत्री के ओहदे पर विराजमान हुआ है। बहनों भाइयों, जिस समय विष्णुदेव जी शायद बोल रहे हैं, मैं उनके हर वाक्य को गंभीरता पूर्वक सुन रहा हूं और साथ ही विष्णुदेव जी शाय को मैं नीचे से लेकर ऊपर तक मैं देख रहा हूं। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि विष्णुदेव जी शाय इतना अच्छा बोलते हैं, पहली बार एक प्रभावी तरीके से बोलते हुए कुछ विष्णुदेव जी शाय को मैंने देखा और मैं कह सकता हूं कि विष्णुदेव शाय जी के नेतृत्व में यह छत्तीसगढ़ तेजी से आगे जाएगा। बहनों भाइयों, हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है उस आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार आते ही यहां पर 100 दिन में ही जो विकास पटरी से उतर चुका था वह हमारा विकास अब पटरी पर लौट आया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम पहली बार जी किसी ने किया था तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन बीच में 5 वर्षों के लिए यहां पर जो कांग्रेस की हुकूमत आ गई, कैसी सरकार चली है, भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला था, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को एहसास होगा। आज मैं छत्तीसगढ़ की जनता से यही कहने आया हूं, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है और जो छत्तीसगढ़ राज्य विकास की पटरी से उतर चुका है उसको पुनः विकास की पटरी पर लाने का काम यदि कोई पार्टी कर सकती है तो वह भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। छत्तीसगढ़ को जिन लोगों ने 5 वर्षों में कांग्रेस के लोगों ने बर्बाद किया है तो छत्तीसगढ़ के भाग्य को संवारने का सामर्थ्य भी यदि किसी पार्टी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, मैं जानता हूं। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं। सरदार पटेल की ये कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचू को बनाने का दम रखता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, यहाँ एक जीवंत संदेश होगा।